क्वेश्चन है, आइस स्केटर स्पिन्स विद आर्म आउटस्ट्रेच्ड एट 1.9 आरपीएस, ये क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी 1.9 आरपीएस, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इनटू 1.9 रेडियंस पर सेकेंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका गिवन है 1.33। आर्म्स को वो ओपन करती है और आई की वैल्यू 0.48 हो जाती है। आपको बताना है ओमेगा 2 क्या होगा, स्केटर के केस में क्या लगेगा, आई 1 ओमेगा 1 इज आई 2 ओमेगा 2। आई 1 पता है, ओमेगा 1 पता है, आई 2 पता है, सॉल्व करके क्या जाएगा? ओमेगा 2। और क्योंकि उसने ओमेगा 1 आरपीएस में दिया था और हम अपना आंसर रेडियंस पर सेकंड में निकाल रहे हैं, तो एक काम करना, जो भी ओमेगा 2 आएगा उसको लिख लेना 2 पाई इन टू फ्रीक्वेंसी, सॉल्व करके फ्रीक्वेंसी निकालना, आंसर आएगा आरपीएस में। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे करना है इसे? तो स्केटर वाली प्रॉब्लम में क्या लगेगा, आई 1 ओमेगा 1 इज आई 2 ओमेगा 2। ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट प्रॉब्लम में मास 2 केजी इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ। बोलो ये बॉडी की शेप क्या है? पॉइंट मास है। शेप कहाँ दे रहा है वो? रिंग बोला, डिस्क बोला? बोला ही नहीं। पॉइंट मास रोटे एक एक्सिस के आसपास घूम रहा है, तो ये पॉइंट मास है। तो पॉइंट मास है, मास कितना है? 2 केजी है और सर्कुलर पाथ रेडियस गिवन है 0.8 मीटर में घूम रहा है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 की वैल्यू भी गिवन है 44 रेडियंस पर सेकेंड। इफ द रेडियस ऑफ पाथ बिकम्स गिवन, तो आर 2 की वैल्यू गिवन है कितनी? 1 मीटर। तो आपको ओमेगा 2 बताना है इसमें क्या होगा। तो घूमती घूमती बॉडी का आई 1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू आई 2 ओमेगा 2। ओमेगा 2 आपको निकालना है। आई 1 पॉइंट मास का क्या है? एम आर स्क्वायर, तो एम इंटू आर का स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 कितना है? 44। I2 कितना है? m into r का स्क्वायर into ओमेगा 2। तो सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ गई? ओमेगा 2 कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। ठीक है, तो I1 ओमेगा 1 इज I2 ओमेगा 2 से आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। बॉल टाइड टू अ स्ट्रिंग टेक्स 4 सेकेंड टू कंप्लीट रेवोल्यूशन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। T1 गिवन है 4 सेकेंड, तो यहाँ से ओमेगा 1 आ जाएगा 2 पाई बाय T1 यानी कि 2 पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियंस पर सेकेंड। बाय पुलिंग द कॉर्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज रिड्यूस टू हाफ। तो पहले रेडियस r है, अब कितना हो गया? r बाई 2। तो आपको बताना है t2 की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें i1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू i2 ओमेगा 2। i1 क्योंकि बॉडी पॉइंट मास है, एक बॉल जरूर है पर पॉइंट मास घूम रहा है एक सर्कल में, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? m इंटू आर स्क्वायर, m इंटू आर स्क्वायर पॉइंट मास है और ओमेगा 1 की जगह 2 पाई बाय 4 इज इक्वल टू m इंटू रेडियस हाफ कर दिया कॉर्ड का ओमेगा 2। ओमेगा 2 की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 2 पाई बाय टी 2। 2 पाई से 2 पाई कैंसल, m से m कैंसल, टी 2 निकाल लेना आंसर। ठीक,
ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, सन रोटेट्स राउंड इट्सेल्फ। सन पॉइंट मास लें कि ना लें, एक्सिस पे घूम रहा है, पॉइंट मास कैसे लेंगे, तो आई तो जीरो हो जाएगा। अब सन का अलग क्वेश्चन है तो 2/5 mr², तो सन 27 days, तो टाइम पीरियड 27 है, ओमेगा वन आ जाएगा 2π/T1, यानी कि ओमेगा वन इज इक्वल टू 2π/27। वॉट विल बी द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, T2 निकालो। अगर सन वर टू एक्सपैंड टू ट्वाइस द प्रेजेंट रेडियस, तो अगर रेडियस आर है, अब रेडियस कितने हैं 2r है, घूमता घूमता सन I1 ओमेगा वन इज I2 ओमेगा टू, आई का फॉर्मूला 2/5 m/r का स्क्वायर, ओमेगा वन की जगह 2π/27, I2 क्या हो जाएगा 2/5 m/2r का स्क्वायर और इनटू 2π/T2, तो निकाल लेना T2 कैन बी कैलकुलेटेड आंसर।
ठीक है, बी पॉजिटिव। तो अभी पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट, इसका आंसर 1.5 आ रहा है, 1.5 आ रहा है कि अगर अर्थ सडनली कॉन्ट्रैक्ट बाय 1/4 ऑफ द प्रेजेंट रेडियस हो जाए, आर की जगह क्या हो जाए, आर बाय 4 हो जाए, हाउ मच वुड द डे बी शॉर्टन्ड। तो अभी दिन कितने घंटे का है, 24 आवर्स का है। तो अब नया टाइम पीरियड क्या होगा, अर्थ जब घूमती है तो आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, तो अर्थ का 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू 2π/24 इज इक्वल टू आई टू की जगह 2/5 एम आर बाय 4 का होल स्क्वायर 2π/T2, टी टू सॉल्व करो 1.5 आर, मतलब जितनी एक आज हमारी क्लास का टाइम है दिन और रात हो गया, डेढ़ घंटा इतना ही हुआ ना, बस हो गया एक दिन एक रात। तो एक दिन एक दिन आप केमिस्ट्री पढ़ाए, एक दिन आप आपका आपका फिक्स भी हो गया, और एक दिन बाद आप अभी 9 बजे खाना खा रहे होंगे, तो 3 दिन हो गए, डेढ़ घंटे में तो इतना ही हुआ बस, ठीक है। और मूवी देखने जाओगे तो 2 दिन तो लगेंगे मूवी देखने में इस हिसाब से, 3 घंटे के हिसाब से, ठीक है, ऐसी बातें करेंगे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि इतना छोटा टाइम हो जाएगा। ठीक है, माइनस करना पड़ेगा 24 घंटे में से, डेढ़ घंटा माइनस करना पड़ेगा, 24 घंटे का टाइम पीरियड है और डेढ़ घंटा माइनस करना पड़ेगा। वैसे बता दूं, बुक का सॉल्यूशन बता देता हूं, मैंने पहली बार देखा है, वो कह रहे हाउ मच वुड द डे बी शॉर्टन्ड, दिन कितना छोटा हो गया। अब वो क्या करता है सॉल्यूशन में, 24 घंटे का वो कहता है जी एक रात और दिन है, 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे में से इसे माइनस करेंगे 7.5 घंटे आएगा, ये कोई लॉजिक नहीं है भाई, 12 घंटे का मैंने तो कभी दिन देखा नहीं है। तो ये मैंने क्वेश्चन में पहली बार देखा है, टोटल ड्यूरेशन पूछी जाती है, दिन रात का तो यार हर कंट्री का डिफरेंट डिफरेंट है, कैसे कोई सॉल्व करेगा इसे, तो ये इसलिए आंसर सही नहीं है। डेढ़ घंटा ठीक है, नया टाइम पीरियड डेढ़ घंटा है, पर शॉर्टन्ड कितना हो गया, 24 घंटे में डेढ़ घंटे को माइनस कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट फॉर एन अर्थ सेटेलाइट, अर्थ की सेटेलाइट घूम रही है प्लैनेट की तरह, रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट अपोजी टू इट्स वेलोसिटी एट पेरिजी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। अपोजी पेरिजी क्या होता है, सुना है कभी, सुना है, मिशन मंगल में अक्षय कुमार बोलता है पेरिजी अपोजी, ज़्यादा देखना है एक बार, ठीक है, अब ज़्यादा समझ में आएगी। होता क्या है कि सेटेलाइट घूम रही है, नॉर्मली अर्थ भी घूमती है सन के आसपास, तो जब डिस्टेंस सबसे कम हो जाता है सन से प्लैनेट का या सैटेलाइट से अर्थ का, उस पॉइंट को पेरिजी का पॉइंट बोलते हैं, और जब सबसे दूर हो जाता है उसको अपोजी बोलते हैं, ठीक हो गया। तो वो बोलता नहीं है कि अगर आप देखिए किसी मिशन मंगल देखिए, वो बहुत लड़ता है कि यार यही टाइम पीरियड सबसे सही है, अगर ये टाइम निकल गया तो हमें बहुत देर वेट करनी पड़ेगी। वो पता है क्या कहता है, वो ये बोलना चाहता है जो आम ऑडियंस को नहीं समझा पाते कि एंगुलर मोमेंटम अर्थ का कॉन्स्टेंट है, जब उसकी दूरी, जब सन के आसपास अर्थ घूम रही होगी और जब वो इस पोजीशन पे आएगी, जब डिस्टेंस सबसे कम होगा तो उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। इस टाइम पे अगर हम एक मार्स पे भेजने वाला कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी सैटेलाइट या कोई भी चीज़ है उसको हम फेंक दें तो अर्थ की वेलोसिटी लेके बाहर निकलेगा, फ्यूल कम लगेगा क्योंकि वेलोसिटी अर्थ की उसको मिल जाएगी, अर्थ की वेलोसिटी बहुत तेज हो जाती है इस पोजीशन पे, अपोजी पे, अपेरिजी पे। आज हमने किया एम वी आर इज अ कॉन्स्टेंट, आर अगर कम है तो वी ज्यादा है, अर्थ ऐसे घूमती है ना, तेज स्लो तेज,
क्योंकि आर का डिस्टेंस सबसे कम यहाँ पे है, तो वी सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, क्योंकि पॉइंट मास के लिए एन इंटू आर ये कॉन्स्टेंट है। तो अर्थ जब घूमेगी सबसे कम दूरी इसकी यहाँ पे होगी, तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। तो अर्थ की वेलोसिटी अगर इधर को ज़्यादा है, तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से उठा के फेंकोगे, उसकी वेलोसिटी अर्थ जितनी तो होगी होगी, साथ में अपनी भी होगी, तो ज़्यादा वेलोसिटी से निकलेगा, तो उससे आपका फ्यूल कंजम्पशन कम है। जाना तो मार्स पे है ना, कोई ये तो है नहीं यहाँ तक जाना है, तो फ्यूल की गेम है सारी, तो फ्यूल कम लगेगा, इसलिए वो सारी पीछे इसके ऊपर बेस थी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो फ्यूल कंजम्पशन यही लॉजिक लगता है। अब आपको वो चैप्टर ग्रेविटेशन करने के बाद वो मूवी बहुत बढ़िया समझ में आएगी, थोड़ी टेक्निकल बनाई हुई है, तो एक्चुअली टेक्निकल टर्म यूज़ की गई हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर जिसको आता है वो समझ पाता है कि वो क्या कह रहा है। आपको समझ में आ गया? अब इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, एम इंटू वी इंटू आर इज अ कॉन्स्टेंट, तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो जो भी वेलोसिटी वी वन वी टू होगी पेरिजी अपोजी पे, तो वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू आर टू बाई आर वन, हो गया ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल आंसर। ये तो प्रूव करना है कि वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट। इसका आंसर नहीं आ रहा शायद, मुझको लगता है, बाकी आप एक बार करके देख लो, मैं कह नहीं सकता इसका आंसर, नहीं आंसर नहीं आ रहा इसका, क्या सॉल्यूशन है इसका। ये क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म डिस्क रोटेटिंग फ्रीली अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस, ये डिस्क है और वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी एफ वन है 90/60 आर पी एस, यहाँ से क्या निकल जाएगा, ओमेगा वन निकल जाएगा। तो एंगुलर जो डिस्क का मोमेंट इनर्शिया आई है, तो आई या आई वन है, आई वन इंटू ओमेगा वन एंगुलर मोमेंटम है। सेकेंड केस में क्या किया, इस डिस्क के ऊपर किसी ने वैक्स गेर दिया पॉइंट मास एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन तो है ही है, पॉइंट मास का ऐड हो गया, ये नया मोमेंट इनर्शिया हो गया आई टू, बढ़ गया। तो वो कह रहा है कि ओमेगा क्या होगा, ओमेगा टू, तो रूल क्या लगेगा, आई वन ओमेगा वन आई टू ओमेगा टू। डिस्क का आपको आई निकालना है, तो ओमेगा टू आपको क्वेश्चन में गिवन भी है राधर, ओमेगा टू कितना गिवन है, टू पाई इन टू 60/60, क्योंकि फ्रिक्वेंसी गिवन है 60 आरपीएम, ओमेगा टू आ गया। तो आई वन की वैल्यू यहां से पुट कर लेना कितनी है, आई वन की वैल्यू तो निकालनी है राधर डिस्क की, ओमेगा वन कितना है 2 पाई इन टू 90/60, आई टू की जगह पुट कर लेना आई वन प्लस एम इन टू आर का स्क्वायर, और इन टू ओमेगा टू की जगह 2 पाई इन टू कितना 60/60, सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, आई वन की, सॉल्व आई वन आ जाएगा, तो डिस्क का आई कैन बी कैलकुलेटेड।